आ जाओ आ जाओ। और इसे मॉल के अंदर बच्चे घूमते ना छोटे 10 साल के, वैसे घूमता हमारा 5 साल का शिनचैन। यह तो बहुत ही हरियाली है। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हाय, माय सेल्फ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन कुछ सलाह देना चाहती हूँ। जेल नेल पॉलिश अगर बस की नहीं है तो नहीं लगाना। पूरा एक आदमी लगाओ उतारने के लिए। Seriously? जो पूरा साकेत से आता है ये काम करने के लिए। स्पेशली भैया हमारे लिए आए हैं। एक बिंदा भी देख रहा, कह रहा है ये क्या करवाया आपने नाखूनों के ऊपर कि आपको दो लोग लगे हुए हैं। एक बंदे ने पहले थिनर लगाया, ये बंदा फाइलिंग कर रहा है। अभी दो लड़के और कारपेंटर बुलाए हैं, दो कारपेंटर और आ रहे हैं। हाँ कारपेंटर लगा हुआ भाई, पूरा लगा हुआ है। ये मेहनत का काम है भाई, पता जितनी मेहनत आई थिंक लगाने में हुई थी उतनी मेहनत ये नेल पे उतारने में। लड़कियों का जेल का क्या लगा है? अच्छा मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरे मुंह से कैमरा मत हटा। मैं नया कैमरा मैन हूँ ना अभी। हाँ यू आर फायर्ड टुडे। ओके तो शुड आई क्लोज द वीडियो? जस्ट बिकॉज यू आर फायर्ड, आज ही से काम छोड़ना छोड़ता है, कल से काम छोड़ता है, कल करे सो आज कर। और ये है अमीर लोगों के चोचले, जो लोग फ्लाइट जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं और जो ट्रेन में नहीं जा पाते। हाँ? वो मॉल के अंदर ऐसी ट्रेनों के अंदर जाते हैं। ये हैं अमीर लोगों के चोचले, वाह वाह। और ये हैं उन चोचले वालों के माँ बाप। भाई बहुत खतरनाक इंसान है। नहीं मैं खतरनाक हूँ, चलता है भैया। ये जो ट्रेन लेके घूम रहे मॉल के अंदर, इसे क्या कहोगे? भैया को अभी करीबन 4.5 घंटे हो चुके हैं काम करते हुए। भैया कितना प्यार से सही बोला, मैंने बोला जो ट्रेन चला रहे हैं। हाँ वो तो उनकी तो ड्यूटी है यार, उनकी तो ड्यूटी। हाँ। नहीं उनके तो, उनके मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, जो पीछे बैठे उनके खिलाफ हूँ मैं। हाँ। उनसे जरा ट्रेन का अलग से वो बनता है क्या? पैसे लगते हैं इसके, फ्री में नहीं बढ़ा दे। ट्रेन का अलग से जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है वैसे ट्रेन का अलग। ट्रेन का लोग गाड़ी का ड्राइव गाड़ी चला नहीं पाते, ट्रेन का चाहे चलाएंगे ढंग से? भाई मीनल भैया 4 घंटे हो चुके हैं भैया, अभी भी लगे हुए हैं 4 घंटे। भैया के हाथ देखो, पहले भैया के हाथ बिल्कुल साफ थे, बिल्कुल मट्टी मट्टी हो गए। सीमेंट उतारी उन्होंने, सीमेंट उतारी है। और ये अब रेक मार्क लेके घिस रहे हैं, रेक मार्क लेके घिस रहे हैं। इससे पहले इन्होंने पहले उस पर तेजाब डाला। हाँ। तेजाब के बाद इन्होंने फिर ये फाइलिंग करी है। देखिए अभी आपको एक फटाफट लगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे भैया ने पूरी जान लगा दी इसको। बाकी कोई दिक्कत नहीं भैया, अभी भी लगे हुए हैं एकदम से। मैं ना ऐसे बूट पॉलिश करता हूँ भैया, पता है पहली बार देख रहा हूँ हैंड पॉलिश। अरे अच्छा ये भी रखा हुआ आपने, ये क्या है भैया? ये सैंड हुआ, सैंड पेपर क्या सैंड पेपर टाइप होना भैया? बफर। हाँ बफर है भाई, जैसे हिंदी में रेती, हिंदी में रेती। हाँ रेती मैंने क्योर कराते हैं इंसान ताकि सुंदर लगे नेल। हाँ मैंने क्योर के बाद अगर ये होता है आप लोगों को जम सकता है क्योंकि यार एक तो मेरे मुंह पे इतना प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ मुझे आना ही नहीं, आपको लेना ही नहीं। मैं वैसे बता रही हूँ कि कुछ कलर्स होते हैं जो सिर्फ जेल नेल पॉलिश में होते हैं, बिकॉज ऑफ द कलर लड़कियाँ बहक जाती हैं। और तुम बह गई। ये देखो भैया ने फिर ये शादी के चक्कर में ये जो भैया ब्रश यूज कर रहे हैं ना, ये हमारे जब हम लोग बाल कटवाते हैं तब होता है इस्तेमाल। और भैया ने अब बिल्कुल एक ये ऑयल है या ट्रांसपेरेंट नेल पेंट? ये ऑयल है। ये है मेरे जख्मी नाखून, देखो ना सच में रेडनेस हो गया। देखो रेडनेस, बाप रे बहुत ही रेडनेस हो गया। एक लड़की शादी के लिए क्या क्या नहीं कराती। ओएमजी ऐसे इतना बड़ा हाथ कभी वीडियो में कभी नहीं आएगा तुम्हारा। चलो बहुत ही बढ़िया, फाइनली भैया मसाज करना है इसका 4 दिन इसको। और क्या बताओ, और जो भी आपको रिचुअल बताओ सारे रिचुअल बताओ, सारे फॉलो कर लूंगा। एक हफ्ते तक ऑयल लगाना है और 5 मिनट बाद इसको मसाज देनी है। भैया इसके लिए तो मुझे एक बंदा रखना पड़ेगा लग से। आधे घंटे तक हैंड वॉश भी नहीं करना, तो कोरोना के भी थोड़ा अगेंस्ट जाता है ये। चलो बहुत ही बढ़िया, फनी। अब तो 300 रुपए आप ही को देने पड़ेंगे बिकॉज यू नो भैया ने बोला हाथ हिलाना नहीं है। सो गाइस मैंने अपनी जेल नेल पॉलिश जो 1200 में लगवाई थी, हार्ट अटैक वो 300 में छुटवाई है। देखो सीरियसली बोलूं, फ्रेंकली स्पीकिंग आई कैन फील द वेस्टेज ऑफ मनी भाई।
नॉर्मल नेल पेंट जिंदाबाद, नॉर्मल नेल पेंट जिंदाबाद। 250 की आ जाएगी, 150 की आ जाएगी, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहेगी। ये नहीं, इसके बाद आधे घंटे बाद मुझे इसे मसाज भी करना है, मुझे इनको आधे घंटे बाद मसाज भी करना है। वो 300 रुपये में इंक्लूडेड नहीं था, मैं आधे घंटे तो बैठ जाते, आधे घंटे बाद भैया के पास वापस आके मसाज करा सकती हूँ। वो मुझे फीलिंग आ रही है कि 300 रुपये वसूल नहीं हुए हैं। इन्हें पूरा मॉल सजा रखा है, ये क्रिश्चियन लोगों की दिवाली आ गई ना। अच्छा बताओ ना, आपको इस जेल नेल पॉलिश के बारे में क्या कहना? मुझे कहना है कि हमारे तरह चाहिए, अपने नाखून खुद ही खाते रहो और नाखून नहीं होते। ऑलिव ऑयल लगाने, ऑलिव ऑयल। हाँ यहाँ खा नहीं रहे हम ऑलिव ऑयल, लोगों का खाने के लिए ऑलिव ऑयल नहीं है, ये लगाने के लिए ऑलिव ऑयल, मतलब नाखून। हे भगवान, लाइक सीरियसली नारियल का तेल आई थिंक विल वर्क। नहीं क्या वो भैया, क्योंकि स्मॉल में होना, अगर आप रोड पे होते तो भैया भैया गरी का तेल बोलते हैं मुंह से। गरी गोला एंड कोकोनट इज द सेम थिंग, बट फर्क है सिर्फ पैसों का। हाँ कि आप कहाँ से खरीद रहे हो एग्जैक्टली। चाय खेला, अयो आई थिंक आई डोंट नो अगर मैं अपना गर्म कप पकड़ पाऊंगी, मतलब विल यू हेल्प मी। कहाँ गया चाय खेला? फैंसीएस्ट चाय ठेला। गाइस बाय द वे वी आर इन आरिया मॉल, आरिया अलग अलग सा नाम है, ये एकदम दुनिया के अलग ही छोर पर है। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर मी बट ओह बाय द वे सॉरी आई कांट शो यू माय फेस, मैं अपने आपको अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रही क्योंकि अभी आधे घंटे बाद मसाज करके फिर देखूंगी कि मैं काम करने लायक रही कि नहीं। बेटा घर जाके आटा गूंदना होता है, ऐसे नहीं है, हम बहुत अच्छी बहू है। इससे आगे जाकर स्विट्जरलैंड है दोस्तों। Yeah, na, exciting brands coming soon. But local. मेरे ना दिमाग में एक थॉट आया कि जैसे कि लोग एम्बेलिकल कॉर्ड के साथ पैदा होते हैं, मुझे लगता है अब उस एम्बेलिकल कॉर्ड की जगह ना कोई सी टाइप चार्जर होगा, चार्जर की कॉर्ड। सबके हाथ में मोबाइल, आई नो हु एम आई टू टॉक, मेरे हाथ में भी मोबाइल ही है, बट सीरियसली गाइज यू कांट सर्वाइव विदाउट इट एनीमोर। आपको एक बात बताऊँ, मैंने ये मास्क तक प्रेस किया था, ओए होए हमारी चाय की भाप। लोग बोलते हैं लड़कियां शॉपाहॉलिक होती हैं, ये देखो धड़ाम। अब मैं आपको बताती हूँ ये मेरे बिना क्यों गए हैं, क्योंकि मैं फिर एक्साइटमेंट में एक चीज़ लेने जाती हूँ और थोड़ा एक दो और चीज़ें ले आती हूँ, सो ही मेड श्योर कि मैं यहीं बैठी हूँ। ओह माय गॉड, सांबा कमिंग खाली हाथ। काफी सुंदर मॉल, काफी नया मॉल। ये एयरफेयर फायर्स है? हाँ हाँ, ये नहीं नहीं है, हम तो उन्होंने रखा इंडोर प्लांट्स ही हैं सारे, आज इंडोर प्लांट ही रखा। बहुत ही बेहतरीन, आ जाओ आ जाओ। और इसे मॉल के अंदर बच्चे घूमते हैं ना छोटे 10 साल के, वैसे घूमता हमारा 5 साल का शिनचैन। यह तो बहुत ही हरियाली है।